देश और प्रदेश के बाद अब जनपद में भी भाजपा के सक्रिय सदस्य बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके तहत ही जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भाजपा के सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं। इस बीच नगर प्रभारी मनोज पाल सिंह ने बताया कि जसपुर विधानसभा में 145 बूथ हैं, उस हिसाब से हर बूथ पर पार्टी ने 2 सदस्यों को रखा है। साथ ही पार्टी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए हमने अपने तीनों अध्यक्ष के साथ बैठक कर एक बूथ पर 2 सदस्य बनाने का काम शुरू किया है। वहीं काशीपुर विधानसभा में 3 मंडल क्षेत्र में भाजपा के 3 अध्यक्ष हैं, वहां भी 202 बूथों पर में हमारे 404 फॉर्म का वितरण हो गया है। उन्होंने बताया कि सभी सक्रिय सदस्य बनने के बाद कमेटी प्रत्येक सदस्यता के मामलों में विचार करेगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 70% से वो पूर्ण किया है जो हमारा सकारात्मक जिला है काशीपुर। अब प्राथमिक सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। इसमें पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और जिसमें हमने हर विधानसभा वाइज एक हमारी पूरी टीम बनी है, जिसमें मेरे साथ 2 और अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय विकास गुप्ता जी और गुरुवंश बग्गा जी को भी पार्टी ने साथ में रखा है। जसपुर विधानसभा में 145 बूथ हैं, तो उस हिसाब से पार्टी ने हर बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हमने अपने तीनों अध्यक्षों के साथ बैठक कर एक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाने का काम शुरू कर दिया है। और नीचे भी हमारी जो टीम है, जो हमारे प्राथमिक सदस्य बने हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी बनने वाले लोग हैं, उनको नीचे सक्रिय सदस्यता का फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। इसी जो पूरी काशीपुर विधानसभा है उसमें हमारे 3 मंडल क्षेत्र हैं, भाजपा के 3 अध्यक्ष हैं, तो वहाँ भी 202 बूथों में हमारे 404 फार्मों का वितरण हो गया है। इसी प्रकार बाजपुर में 174 बूथ में 348 हम लोग सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। गदरपुर में 326 हम सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 163 बूथ हैं हमारे गदरपुर में। तो इस प्रकार पूरे जिले में सक्रिय सदस्यता के अभियान को गति दी जा रही है। हमारे सभी अध्यक्ष, हमारी कोर टीम निरंतर अपने जिन लोगों ने हमारे प्राथमिक सदस्य बनाए हैं उनके संपर्क कर रही हैं और नीचे उनका सक्रिय सदस्यता के फार्मों का वितरण किया जा रहा है। ये सभी सक्रिय सदस्य बनने के बाद फॉर्म वितरित होंगे और एक जो कमेटी है वो कमेटी प्रत्येक सदस्यता के सक्रिय सदस्यता के फॉर्म पर विचार करेगी। उसमें अगर कोई विषय आता है कोई, तो उसमें जो कमेटी का निर्णय होगा हम उससे उस प्रार्थी को अवगत कराएंगे कि आपको सक्रिय सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है। नंबर अभी तक ये सदस्यता सक्रिय सदस्यता अभियान चलने वाला है और मुझे आशा है कि जो पार्टी ने हमसे उम्मीदें की हैं हम उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे।